हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेदीप चैनल। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट DIY की तरफ, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ये कुकी बॉक्स का। मैं इसी का ही आज मेकओवर करने वाली हूँ। अक्सर हमारे पास इस तरीके के बॉक्सेस पड़े रहते हैं, बट अगर हम उन्हें थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं तो उन्हें हम किचन में प्लेस करें या फिर अपने ड्राइंग रूम में, तो वो थोड़े अच्छे लगते हैं। सबसे पहले इसमें वाइट कलर कर लूँगी ताकि मैं इसमें जो भी नेक्स्ट कलर या डिज़ाइन पैटर्न बनाऊँगी वो अच्छे से खिल कर आएगा। तो बस कलर होने के बाद मैंने एक पेपर पर डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया था। अब मैं इसी को इस बॉक्स पे इनको ड्रॉ करने के बाद मैं ब्लू कलर से इसको फिल करूँगी। इन डिज़ाइंस को डिसाइड किया कि वाइट के साथ ब्लू अच्छा जाएगा, और ये पैटर्न मेरे दिमाग में पहले से था कि मुझे ऐसा कुछ पैटर्न कहीं ना कहीं ड्रॉ करना है, तो मैंने कहा चलो इस बॉक्स पे कर देती हूँ। और मैं लास्ट में वीडियो के बोलूँ हबड़ तबड़ में, इससे पहले मैं अब भी बोल देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, और आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और कोई फीडबैक हो तो वो भी मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं हम आगे। कलर करने के बाद ये बॉक्स कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और ये रेडी है। आप इसको कहीं पे भी डेकोरेटिव पीस की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कार्डबोर्ड बॉक्स। इसमें क्या आया था मुझे याद नहीं है। साइड में जो इसके कार्डबोर्ड है उसे मैं कट कर लूँगी, और के बाद मैं एक फोम शीट लूँगी और उसको इसके अंदर प्ले फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दूँगी, ताकि हम बॉक्स के अंदर जो भी रखें उसको थोड़ी कुशनिंग मिल जाए। तो इस तरीके से ये रेडी होने के बाद हम लेंगे कोई भी क्लोथ। मेरे पास, आप इसकी जगह कोई पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये क्लोथ रखा था जो कि मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ, बट जो इसका पैटर्न है फ्लावर वाला वो मुझे बड़ा सुंदर लगता है, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं पीसेस में कट कर लूँगी, छोटे छोटे, जो जितना भी मेज़र करके मैंने बॉक्स के हिसाब से कट कर लिए हैं, उनको मैं फेविकॉल की हेल्प से ही इस पर स्टिक कर रही हूँ। एंड देन ऐसे धीरे धीरे करके हम साइड में स्टिक करेंगे, देन अंदर की तरफ, एंड देन ऊपर की तरफ अच्छे से। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ कि इसको ऐसे स्टिक करना है, फेविकॉल लगाना है और कपड़े को काट के बस सिंपल तरीके से इसमें स्टिक करना है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको और कैसे DIYs देखने का मन है हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप कुछ आइडियाज़ भी मुझे दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या आपके पास कुछ हो कि आप उसका मेकओवर करना चाहते हो सो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट DIY या नेक्स्ट वीडियोज़ मैं उनके साथ बनाऊँ, तो प्लीज़ अपने सजेशन मुझे ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। छोटी छोटी चीज़ें करने से ना घर में चेंजेस आते हैं, घर में थोड़ी अच्छी वाइब्स आने लगती हैं ना, चीज़ें अच्छी अच्छी दिखती हैं ना, कलरफुल वाली, तो ना घर में एक अच्छी वाइब्स आने लगती हैं। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मत जाना देखकर, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर बस इस तरीके से एक बॉक्स पे हमने पूरे में क्लोथ लगा दिया है, और एक गोटा पट्टी की जो लेस होती है उसको मैंने इसमें अटैच कर दिया, और एक बटन रखा था सिल्वर कलर का उसको मैंने इसमें अटैच कर दिया है। तो बस हमारा ये जो बॉक्स है ये रेडी है। हम चलते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। उसके लिए मैंने लिया है रसगुल्ले का डब्बा, जो रसगुल्ले हम खा चुके हैं, एंड फिर ये लिए हैं पिस्ता, और कहोगे सब कुछ खा खा के हमारे पास वीडियो लेकर आ रही है, बट क्या करूं, इनको फेंकने का मन नहीं करता। मैं जुगाड़ू इंसान हूँ तो जुगाड़ करती रहती हूँ। तो बस ये पिस्ता के सेल्स हमने लिए हैं, और इस पर बॉक्स पे हम इनको अच्छे से फेवी बॉन्ड की हेल्प से मैंने इनको स्टिक कर दिया है। फिर मैंने लिया एक कलर और इसको वाइट कलर से पूरा पेंट कर दिया है। इसको ड्राई होने के बाद जो फ्लावर्स को रख देंगे, और हमारा सुंदर सा फ्लावर बास्क रेडी है। आपको मेरी DIYs कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।